अस्सलाम वालेकुम। आज हम चने की दाल आलू बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये चने की दाल ली थी और 2 कप चने की दाल ली थी और उसको हमने अच्छे से धो के और जरा सा नमक डाल के उबाल लिया और कुछ नहीं डाला इसमें। और हमने पानी समीधी रख रखा है, ये पानी समीधी जाएगा। और हमने ये 1/2 किलो आलू लिए, छोटे साइज के आलू थे तो ये हमने उबाल के रख लिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे साइज के आलू, ये देखिए के आलू थे तो हमने इसके 2 कर दिए। और 2 करने में ये अंदर से काले काले निकले क्योंकि बरसात है, बरसात में ये हो जाते हैं। आप चाहे आपके आलू सही हो तो आप पूरे साबुत भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये आलू में अक्सर निकल ही जाता है ये बरसात की वजह से, तो हमने इसीलिए 2 कर लिए आलूओं के। और इसे आप ध्यान से करें, देखिए और सामान हम डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 2 प्याज लिए मीडियम साइज, ये तेल लिया हमने 2 चम्मच और थोड़ा सा हम बाद में यूज करेंगे। तो 2 प्याज लिए, महीन काट लिए, तेल हमारा गर्म हो गया, हमने सरसों का तेल लिया इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत जल्दी, जब आलू और दाल हमारी गली हुई है उबली हुई है तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगी। और ये चावलों के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये, आप भी बना के जरूर खाएं। इसी के साथ साथ हमने ये 2 तेज पत्ते लिए और 8 से 10 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और ये 3 बड़ी इलायची हैं डाल देंगे। इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे। इसमें हमने 1 से 1.5 इंच के करीब अदरक लिया था और उसे हमने महीन महीन काट लिया, तो इसे भी डाल देंगे। ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये भी डाल देंगे। आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जो पेस्ट डाला है और कटा हुआ अदरक भी डाल दिया, इससे क्रंची क्रंची सा मजा आएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा। हमें हरी मिर्चें डाल देते हैं, ये 8 से 10 हरी मिर्चें महीन महीन काट के हम डाल देते हैं। आप अगर मिर्चें कम खाते हो तो आप कम यूज करें। अदरक लहसुन को इतना भूनना है कि उसका कच्चापन दूर हो जाए, जो हमने पिसा हुआ पेस्ट डाला है अदरक लहसुन का उसका। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो अच्छे से भुन गया तो हम इसमें हींग डाल देंगे। तो 1/4 टीस्पून के करीब हींग डाल देंगे। आपके पास हींग ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका मजा बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगता है ऐसी चीजों में। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, आप जो आपको मनपसंद सब्जियां हो वो भी डाल सकते हैं हल्का हल्का उबाल के। इसके साथ साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे। प्याज हमें ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है मिर्च का या प्याज का, हमें बस नरम करना है। तो इसे 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, छोटे साइज के थे, अगर चाहे आपके पास बड़े साइज के हों तो 2 ही टमाटर लें। तो ये हमने महीन काट लिए थे बिल्कुल डाल दिया। तो टमाटरों को हम थोड़ा नरम होने तक भून लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे नरम हो गए, आप देख सकते हैं ऑयल आने लगा है सब ऊपर, बढ़िया सी खुशबू आ रही है। जो हमने इसमें कटा हुआ सामान डाला है सारा, भी मसाले कुछ भी नहीं डाले। देखिए टमाटर जो हमारे नरम हो गए, चूल्हे को हम हल्का कर लेते हैं। इतने हम मसाले दिखाते हैं आपको। तो ये हमने नमक लिया टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि दाल में हमने थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था और 1 टीस्पून हमने ये ले लिया है। 1/2 टीस्पून हमने ये मेथी दाना पाउडर लिया है, या आप हल्का सा मेथी दाना भून के तवे पे और उसे पीस सकते हैं। और ये हमने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून भर के हमने ये लाल मिर्च पाउडर लिया और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 2 टीस्पून हमने ये सब्जी मसाला लिया, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे डाल देते हैं। इसे अच्छे से भून लेते हैं। ऐसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले डालते ही, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाला भूनने के लिए। देखिए इसका कलर भी कितना बेहतरीन सा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये मसाला हमारे बहुत ही बढ़िया भून रहा है, आप देख सकते हैं ऑयल आ रहा है, उसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो फिर से हम पानी डाल देंगे, तो मसाले को हमें पकाना है थोड़ा सा, 2 से 3 बारी पानी डाल के पका लेते हैं।
देखिए हमने मसाले में जो है दो से तीन बारी पानी डाल के अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा मसाला हो गया, खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है इसमें से। हम इसमें आलू डाल देंगे पहले, आप अपने हिसाब से डालें जितने आपको जरूरत हो उसके हिसाब से। हमारे माशाल्लाह से लोग हैं तो इसलिए हम थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं, अलग से हम नहीं बनाते हैं कोई चीज, जो हम खाते हैं वही चीज की हम वीडियो डालते हैं। देखिए कितना, आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना दाल के भी, ऐसे आलू बना के खा सकते हैं, इसमें चिकन डाल सकते हैं, मटन डाल सकते हैं, या बड़े का भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, या बहुत सारे वेजिटेबल में भी बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार हुआ है हमारा। देखिए हमारे आलू जो है मसाले में अच्छे से भून गए, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में भी, और ये खाने में भी इतने ही बढ़िया लगेंगे, एक नई डिश बिल्कुल तैयार है। और अब हम दाल डाल देंगे इसमें, दाल में अभी हम पानी नहीं डालेंगे, दाल का बाद में यूज करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। आप चाहें तो इस मैश भी कर सकते हैं, घोट भी सकते हैं, और आप साबुत भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए हमने दाल डाल दिया सारा, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी तैयार हुई है हमारी आलू चने की दाल की। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। देखिए हमने इतना पुदीना लिया, ये ताजा पुदीना है, तो ये डाल देंगे, और हरा धनिया भी डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा हम बाद में यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं इसीलिए हर चीज में टेस्ट अलग होता है, और बिल्कुल अलग तरीके से बनती है वो, और मजे में भी बहुत ही बढ़िया होती है, इसीलिए इतनी सारी चीजें होती हैं। और अगर जो एक दो सामान में आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है एक सा ही रह जाएगा, हर चीज में वही सामान डालेंगे तो हर सब्जी का मजा जो है वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी चीजें अलग अलग डालनी पड़ती हैं, और अलग अलग तरीके होते हैं पकाने के। अच्छे से हमने भून लिया, जो पुदीने की खुशबू बहुत ही अलग महक सी देगी अपनी। तो इसमें उबाल आ गया, तो हमारे पास जो ये पानी है दाल का ये भी डाल देंगे। तो आप लिक्विड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज्यादा, तो हम सारा पानी डाल देंगे, ये 2 गिलास के करीब पानी था हमारा, तो हमने डाल दिया है सारा। अगर चाहे आप रोटी से खाएं तो इसे थोड़ा बड़ा रखें, और चावलों से खाएं तो आप थोड़ा लिक्विड रखें इसे, तो हमारे थोड़ा चावलों से खाएंगे इसे, तो इसीलिए थोड़ा लिक्विड बनाना है हमें। आप नमक चख सकते हैं, देखिए हमने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया इसमें, तो हम इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट ढक के, ताकि आलू में और दाल में अच्छे से नमक मिर्च जो मसाले हमने डाले वो अच्छे से अंदर चले जाए। तो इसीलिए हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे इसमें, भूखे नहीं डालनी है हमें, ये देखिए एक चुटकी, तो इसे हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। बस ये खुशबू के लिए हमने यूज किए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है, पुदीना धनिया और मेथी बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है इसकी। तो हम मीडियम आंच पे इसे 5 से 7 मिनट हम पकाते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको। दाल हमारी तैयार, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसे खुशबू आ रही है खोलते ही, और बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में, ये देखिए। तो आप लिक्विड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ी कम या ज्यादा, तो हमने थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। तो इसके बघार की तैयारी कर रहे हैं, हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया इसमें, तो हमने ये सनफ्लावर डालडा ऑयल का यूज किया, पहले हमने सरसों का डाला था उसमें पकते में, अब हमने ये तेल लिया है। फिर से हम बघार लगाने के, तेल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें हम थोड़ी सी ये कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, आपके पास नहीं हो तो आप जो रेगुलर मिर्च होती है वो डाल सकते हैं। घर में ज्यादा चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसीलिए हर चीज में अलग अलग तरीके का है। मिर्चें जो है अच्छे से हमारी फ्राई हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं।
अच्छे से फ्राई हो गई है, अच्छी खुशबू आ रही है। कश्मीरी मिर्चे हैं ये, और इसी में हम आधा टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्चे डाल देंगे। ये तेज नहीं होती है, बस कलर के लिए हमें डालना है। चूल्हे को हल्का रखना है बिल्कुल, और इसी के साथ साथ ही हमने धनिया जो रोका था ये डाल देंगे। चूल्हे को बंद कर देते और हमारा बंगाल जो है तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें से रोकेंगे और थोड़ा हम डाल देंगे, थोड़ा सा जो है चम्मच में रोक लेंगे बाउल में डालने के लिए, और थोड़ा हम इसमें डाल देंगे। देखिए बंगाल जो है हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हमने रोक लिया। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो इसको हम बाउल में निकाल के दिखाते हैं। आप बाउल ले लिए, तो इसमें बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए दाल जो है हमने बाउल में निकाल लिया, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें ये बंगार डाल देंगे जो हमने रोका था। अदरक भी डाल देंगे, आपकी मर्जी है। अगर चाहे आपके यहाँ नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सब चीजें खाते हैं बच्चे भी। तो अगर चाहे हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, और शेयर भी ज़रूर करिए, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए हमारी वीडियो को। हम ऐसे ही लाते रहेंगे आसान आसान सी चीज़ें, और जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल के बना सकते हैं। टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होगा लेकिन अच्छी लगेगी सभी को। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।